अरुणाचल का इलाका हो, सांगदार का इलाका हो, उड़ी का इलाका हो, बैठो जिगर, बैठो बैठो नहीं रहेंगे यार। मेहरबानी करके आप तशरीफ रखिए। साइड अप पूछो, साइड अप आप साइड में रहो, फोटो खींचते हैं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर हो वो भी आप थ्रो योर रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे कर सकते हैं, अपना एड्रेस कर सकते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उनसे बात करता हूँ कि इन लोगों की खिलाफ बहबूदी के लिए जो इस साल यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने डॉक्टर मंगला राय का एक कमीशन बनाया, जिस कमीशन के बीच में आस्ता आस्ता काम हो रही है किसानों को किस तरीके से ऐसी टेक्नोलॉजी फ्राम। मान लेते हैं कि मेरे भाइयों आपके पास घर में दो कमरे हैं, अगर नहीं भी हैं, ये जो कंपनी इफको जिन्होंने ये काम किया आज यहाँ पे, आपके एक जो बॉटल उसकी है वो आपको जो आपका 50 या 45 किलो का जो यूरिया का बैग होता है वो बैग उठाने के बजाय सिर्फ एक शीशी जो है वो आपको उठा के ले जानी है, 45 किलो का होता है। क्योंकि अब आगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्होंने अप्रूव किया है नैनो यूरिया, जिसका एक बोतल एक बैग यूरिया के बराबर है। अब्दुल अजीज साहब जो सरपंच है, नौजवान जोशी, नाम बताएं, नाम बताएं, सबको दिलेगा सबको। हाकिम भी, हाकिम भी अब आराम से। जो हमारी इफको की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिन लोगों ने कि किसानों की खिलाफ बहबूदी के लिए नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो मंत्र आम पे लाई है, इसका फ़ायदा हमारे किसान कैसे ले सकें, क्योंकि हम जानते हैं कि आज नैनो टेक्नोलॉजी के दौर में, डिजिटल एग्रीकल्चर के दौर में किसानों को सबसे पहले इन तमाम स्कीमों के बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, जहाँ से किसान जो है वो अपनी किसानी के साथ जुड़ा रहने के लिए और काश्तकारी करने के लिए उसकी कास्ट ऑफ कल्टीवेशन कम कैसे हो सकती है, चाहे वो इस नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू हो, चाहे मैकेनाइजेशन के लिहाज से हो, चाहे सीड रिप्लेसमेंट के लिहाज से हो, और जो भी मुख्तलिफ इकदामात करने की ज़रूरत है और लोगों से फीडबैक लिया जाए। और ख़ासकर मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा इलाका शुपियां हीरपुर का है, यहाँ इस पोटैटो को भी रिवाइव करने के